देवांजलि मोइत्रा। पाकिस्तान जाकर पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर बाजवा और पीएम इमरान को गले लगाने वाले नवजोत सिद्धू अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। पुलवामा हमले के बाद आतंकवाद का कोई देश नहीं होता कहकर पाकिस्तान को एक तरह से क्लीन चिट देने वाले सिद्धू ने इस बार ट्वीट कर मुसीबत मोल ले ली। दरअसल एक तरफ पाकिस्तान में वायुसेना के एयर स्ट्राइक के बाद युद्ध जैसे हालात बने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धू ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का एक बयान ट्वीट कर लिखा है, क्यों भक्तों। सिद्धू ने सुषमा का जो बयान ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवाद को स्थापित करने वालों के खिलाफ है। कांग्रेस नेता सिद्धू को इस तंज भरे ट्वीट पर लोगों ने जोरदार जवाब दिया है। एक ट्विटर यूजर ने सिद्धू की पाक आर्मी चीफ को गले लगाते हुए तस्वीर ट्वीट की और लिखा, क्यों चमचो। एक और ट्विटर यूजर ने सिद्धू के ट्विटर पर लगी तस्वीर के जरिए तंज कसते हुए लिखा, पाजी कमेंट तो कर दिया लेकिन डीपी में मालिक और छोटी मालकिन को नमस्ते नहीं किया। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा है, हे मानसिक बीमार, हमें आपसे हमदर्दी तो नहीं है, फिर भी गेट वेल सून। सिद्धू के ट्वीट पर एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, नौकरी गई, इज्जत गई, कॉमेडी गई, अब धीरे धीरे दिमाग भी जा रहा है, तो बोलने दो, तकलीफ हुआ है बेचारे को। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, भक्त कह रहे हैं हाउ इज द जोश, टेरिफिक सर, बाजवा की बच गई है, जरा पूछ लेना हाउ इज द जैश, 350 गॉन सर। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, सिर्फ पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही थी, सिद्धू जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए बीच में कूद पड़े हैं कि हमारी भी करो, और साथ ही उन लोगों की भी जिनकी फोटो लगा रखी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी मसूद अजहर के इशारे पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद सिद्धू ने कहा था कि आतंक का कोई देश नहीं होता है, हमें बातचीत से मसले सुलझाने चाहिए। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, मैंने आपको पहले कहा ना कि हर देश में देयर इज द गुड, देयर इज द बैड, देयर इज द अगली। ये जो चंद लोग ये सब कुछ कर जाते हैं, इनको सजा याफ्ता करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कौम को आप चपेटे में ले लो, समझे। नहीं, मुझे लगता है कि हर हालत में जो कुछ भी हुआ है उसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, पूरे वर्ल्ड में निंदा होनी चाहिए, और उसका एक जिसको कहते हैं ना कि उसकी निचाई पूरी गहराई तक जाके उसका आत्मचिंतन होना चाहिए, और एक परमानेंट सोल्यूशन डायलॉग से जरूर निकलना चाहिए, प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके। पाकिस्तान से बातचीत का रास्ता सुझाने वाले सिद्धू की जुबान उस वक्त बदल गई जब 26 फरवरी को वायुसेना के जाबाज जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर मिराज 2000 लड़ाकू विमान से बम बरसाया और जैश के 300 से ज्यादा आतंकियों को भी मार गिराया। एयर स्ट्राइक के बाद सिद्धू ने ट्वीट किया, लोहा लोहे को काटता है, आग आग को काटती है, सांप जब डंक मारता है उसका एंटीडोट विष ही है, आतंकियों का विनाश अनिवार्य है, भारतीय वायुसेना की जय हो। इससे पहले बयानबाजी की वजह से ही सिद्धू का जमकर विरोध हुआ था, बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया था। कांग्रेस पार्टी अधिकृत रूप से कहती है कि हम देश के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस के कई नेता, मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू और उनके मीडिया डिपार्टमेंट के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला, ये पाकिस्तान के साथ खड़े दिखते हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू जी को एक पाकिस्तान के माउथपीस बनने की क्या आवश्यकता है, वैसा कोई उन पर कोई इस प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कम से कम चुप्पी तो साथ थे। ऐसे समय जब 40 हमारे जवानों की उनको मौत के घाट उतार दिया पाकिस्तान के द्वारा, तो उनके वक्ता बनकर और पाकिस्तान के दलील प्रस्तुत करने के लिए भारत की जनता ने उनको विधायक और मंत्री नहीं बनाया है। यदि इतने ही प्रेम है पाकिस्तान के प्रति, तो फिर उनको अपनी राजनीतिक जीवन छोड़कर उसी अलगाववादियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि आप भारत के संविधान के प्रति आपने श्रद्धा जताते हुए आपने एक मंत्री का शपथ लिया है, और इस देश की रक्षा करना, देश की जनता का उनका भावनाओं का कदर करना, और ऐसे राज्य जहां से सबसे बड़ी संख्या में, पंजाब से हमारे बड़ी संख्या में सेना में लोग शामिल होते हैं, ऐसे कई लोग अपनी जान गंवा दिए हैं, तो उनके प्रति संवेदना जताने के बजाय उनको एक पाकिस्तान जैसे आतंकी देश के प्रवक्ता के रूप में बोलना हमें बहुत कष्ट देता है।
आपको बता दें, बयानबाजी की वजह से ही नवजोत सिद्धू को कपिल शर्मा के शो से हटा दिया गया था। तो वहीं कांग्रेस के आलाकमान ने भी बेवजह की बयानबाजी कर रहे सिद्धू को नसीहत दी थी। ते पाकिस्तान जीवे, हिंदुस्तान जीवे, ते पाकिस्तान जीवे, हसदा वसदा ए सारा जहान जीवे। धरती पौन पानी बूटे जीव प्राणी सूरज चंद तारे ते सारा आसमान जीवे। जीवे रहम, जीवे रहम हर इंसान दे दिल दे अंदर, जीवे रहम हर इंसान दे दिल दे अंदर, ते आन बान शान दे नाल हर इंसान जीवे। क्या प्यार अमन ते खुशहाली दा रूप बन के, प्यार अमन ते खुशहाली दा रूप बन के ओ मेरा यार दिलदार इमरान खान। देखो बंदूक चो निकली गोली ते मुखों निकलिया वाग दोबारा आउंदा कि पर फिर भी जे तुसी देखिए, ये कोई पहला हमला नहीं है जो कश्मीर पर हुआ है। इसके पूर्व में भी सन 2001 में और 2002 में इस टाइप के कायरतापूर्ण हमले पाकिस्तान लगातार करता आ रहा है। और आज बहुत ही कष्ट होता है इस देश में मुझको रहते हुए और ये समझते हुए कि इस देश के गद्दारों को कैसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सकता है। जो हुर्रियत के अलगाववादी नेता हैं उनको एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए काले पानी की तरीके की, उनको कश्मीर में नहीं रखना चाहिए, उनको उठा करके पौंडीचेरी के किसी जेल में ठूस के रखना चाहिए, जहाँ ना उनको भाषा समझ में आए ना उनको उस ढंग का खाना पीना मिले। किस बात की आप बात करना चाहते हैं पाकिस्तान से? तो कोई भी किसी तरीके की बातचीत नहीं होनी चाहिए जो पाकिस्तान की तरफ जाए। आज सिद्धू जी कहते हैं कि इमरान खान मेरा यार है, अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में, अगर इमरान खान तुम्हारा यार है तो तुम बहुत ही तोगले किस्म के इंसान हो। अगर कोई पाकिस्तानी तुम्हारा यार हो सकता है, गोपाल चावला से जाकर के मीटिंग करके आते हो। मोदी जी बहुत हो गया, अब और सहने की हिम्मत नहीं है हिंदुस्तान की। कश्मीर की धरती रक्त रंजित है, हमारे कश्यप ऋषि की वो धरती रक्त रंजित है, उसको वापस बहाल करिए। आज अवार्ड वापसी गैंग कहाँ है मैं पूछना चाहता हूँ? आज ये माओवादी लोग कहाँ हैं? आज ये निक्सलाइट लोग कहाँ हैं? क्यों नहीं अवार्ड वापसी कर रहे? आज नसरुद्दीन शाह और शाहरुख खान को डर क्यों नहीं लग रहा है इस हिंदुस्तान में? अरे निकल के आइए, आमिर खान की बीवी आज क्या मर गई है जाकर के? आज उनको डर नहीं लग रहा हिंदुस्तान में? जब 40 हमारे सैनिक मारे जाते हैं उनको डर कब लगता है? जब पत्थरबाज मारे जाते हैं। पैलेट गन नहीं, आप पहले रॉकेट लॉन्चर लेकर आइए और मारिए, खत्म करिए यार, एक बार में ये किस्सा खत्म करिए। रोज रोज की इस लड़ाई से तंग आ गया हिंदुस्तान, हमारे खर्चे पर, हम टैक्स पेयर से खर्चे पर इस तरीके से ये काम होता है। मैं यही कहना चाहूँगा, या तो पाकिस्तान ना रहे और या तो ये कश्मीर और हिंदुस्तान ना रहे। एक बार आर पार आप कर ही दीजिए मोदी जी, हम सब संभाल लेंगे देश को, ये युवा संभालेगा देश को। आप कर दीजिए एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और दिन दहाड़े सर्जिकल स्ट्राइक करिएगा, इस बार रात के अंधेरे में मत करिएगा। धन्यवाद। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके ज़रूर होना चाहिए और सजा याफ्ता भी ज़रूर करना चाहिए। लेकिन 7x7 इसका मुझे जो लगता है कि डायलॉग से इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर पूरी तरह से करके, कि जो गालियां निकालने से ये नहीं ठीक होगा, इसका एक परमानेंट सोल्यूशन आना चाहिए। कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और कब तक ये खून खराबा चलता रहेगा? सर, दो देशों के रिश्ते में खटास देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, मैंने आपको पहले कहा ना कि हर देश में देर इज दी गुड, देर इज दी बैड, देर इज दी अगली। ये जो चंद लोग ये सब कुछ कर जाते हैं इनको सजा याफ्ता करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कौम को
आप चपेटे में ले लो, समझे नहीं। मुझे लगता है कि हर हालत में जो कुछ भी हुआ है उसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, पूरे वर्ल्ड में निंदा होनी चाहिए और उसका एक, जिसको कहते हैं ना कि उसकी निचाई पूरी गहराई तक जाके उसका आत्मचिंतन होना चाहिए और एक परमानेंट सोल्यूशन डायलॉग से ज़रूर निकलना चाहिए। प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके, वो प्रेशर ग्रुप जब तक नहीं बनेगा ऐसे ही होता रहेगा। किसी को गालियां देने से ये हल नहीं होगा भाई, किसी को गालियां देने से ये हल नहीं होगा। जहाँ जहाँ आप वियतनाम देख लो, आप और हज़ार जगह देख लो जहाँ जहाँ जंग होती रही है, एक तरफ अगर ये दर्दनाक खौफनाक हादसे होते हैं, दूसरी तरफ उसके साथ साथ डायलॉग भी चलता है ताकि कोई परमानेंट सोल्यूशन निकले।